हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। अपनी पहली क्लास में अपन ने वॉइस में क्या किया था, फाइव रूल्स किए थे। फर्स्ट क्या था, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो उसको बदली करते समय हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसको चेंज करते समय हम बीन लगाएंगे। सेकंड फॉर्म है तो वाजवर लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म है तो ईजमआर लगाएंगे। और लास्ट पॉइंट अपन ने किया था, यदि किसी सेंटेंस में कोई मॉडल है तो उस मॉडल के साथ हम बी लगा करवा के बना देंगे। स्टेप्स यही फॉलो करेंगे, चेंज यही होंगे। इसके साथ ही हमने मॉडल्स वाले में एक नोट भी लगाया था कि यदि किसी सेंटेंस में विल या सेल है तो हमें सोचना है आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, सेल बी का, बाकी सब के साथ विल बी का यूज होगा। अब देखो, अपन ने इसमें फोर्थ पॉइंट में लिखा है बाई, ज्यादातर, मोस्टली। आपको याद होगा कि बाई का यूज ज्यादातर होता है। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं कहां बाई का प्रयोग नहीं होता। वो इसमें हमने रूल्स वही फाइव होंगे, आईएनजी वाली फॉर्म होगी या फिर थर्ड फॉर्म होगी या फिर सेकंड फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी या कोई मॉडल होगा। अब थोड़ा सा इसमें इस प्रकार के वाक्य होंगे तो ऐसे चेंज करेंगे, इस प्रकार के होंगे तो ऐसे चेंज करेंगे। अब जैसे अपन ये फाइव पॉइंट हो गए थे, सिक्स पॉइंट अपन यही ले लेते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, वो बातें हैं। अब बाई का प्रयोग कहां नहीं होता, बाई इज नॉट यूज्ड, कि बाई प्रयोग नहीं होता है कहां पे। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ बाई अपन प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, उनके साथ कोई अन्य वर्ब लगती हैं, अन्य प्रीपोजिशन लगती हैं, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कौन सी होंगी, नॉन, नॉन के साथ टू लगेगा, मैरिड, मैरिड, मैरिड के साथ टू लगेगा, एडमिटेड, एडमिटेड के साथ टू लगेगा, अलार्म्ड, एट लगेगा, सरप्राइज्ड, एट लगेगा, कंटेन्ड, कंटेन्ड, इन लगेगा, इंटरेस्टेड, इन लगेगा, प्लीज्ड, विद लगेगा और सेटिस्फाइड विद लगेगा। ध्यान दो क्या बताया मैंने, शुरुआत में अपन ने बात की थी कि ज्यादातर वाक्यों में बाई का प्रयोग होता है, नंबर फोर, लेकिन बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिनमें बाई का प्रयोग नहीं होता। अपन वही करें कि बाई का प्रयोग कहां नहीं होता, वेयर बाई इज नॉट यूज्ड, बाई का प्रयोग कहां नहीं होता। देखो ज्यादातर में अपन ने किया कि बाई का यूज होगा, लेकिन नॉन आ जाएगा तो बाई नहीं लगा कर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, मैरिड आ गया तो टू लगेगा, एडमिटेड आ गया तो टू लगेगा, अलार्म्ड आ गया तो एट लगेगा, सरप्राइज आ गया तो एट लगेगा, कंटेंट आ गया तो इन लगेगा, इंटरेस्टेड आ गया तो इन लगेगा, प्लीज्ड आ गया तो विद लगेगा और सेटिस्फाइड आ गया तो विद लगेगा। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल अपन करें, राम मैरिड, राम मैरिड सीता। पीछे वाली क्लास में अपन कर चुके हैं कि फाइव जो अपने रूल्स थे उनमें से कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला तो क्या लगेगा इसमें, वाजवर लगेगा। ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो क्या हो जाएगा, सीता वाज मैरिड, सीता वाज मैरिड। अब बाई नहीं लगेगा, लगना बाई चाहिए, पर मैरिड के साथ क्या लगेगा, टू राम। दिस जग डू एंड डज नॉट कंटेन, कंटेन वाटर। देखो दिस जग सब्जेक्ट है, कंटेन
वर्ब है और वाटर ऑब्जेक्ट है। अब कौन सा प्रकार है इसमें जो फाइव टाइप्स अपन ने किए थे, देखो डज वाला या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है तो इज एम आर लग जाएगा, नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव बना देंगे, क्या हो जाएगा वाटर इज नोट, नेगेटिव है तो नोट लगेगा, वाटर इज नोट कंटेन इन दिस जग। ये अपना सिक्स पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अपन कर रहे हैं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले जो डबल ऑब्जेक्ट जिन वाक्यों में होता है उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। डबल ऑब्जेक्ट वाले उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर बना देते हैं और ज्यादातर कौन से ऑब्जेक्ट को लिया जाता है वो अपन कर रहे हैं। नंबर सेवन दे देते हैं इसको, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस होंगे उनमें कैसे बनाएंगे। देखो कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ही टीचेस अस इंग्लिश। इस सेंटेंस में देखो ही सब्जेक्ट है, टीचेज वर्ब है, वह पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है इंग्लिश, किसे पढ़ाता है हमें पढ़ाता है, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। डबल ऑब्जेक्ट हो गया तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर बना लो, टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगा इज एम आर लगेगा, क्या हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई हिम। देखो एक तो ये बन गया, हमने इंग्लिश को लेकर बना लिया, एक अस को लेकर बनाए तो क्या हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाई हिम। इन दोनों को लेकर बना लो, दोनों ही सेंटेंसेस सही है। एक पहले वाक्य में देखो आप, एक तो यहां पे टू लगाना पड़ता है हमें इस पहले ऑब्जेक्ट से पहले। दूसरी बात क्या है कि आजकल क्या मानते हैं कि सब्जेक्ट जो हो रहा ना, अब आमतौर पे ये है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन यहां पे वी अच्छा लग रहा है इंग्लिश की बजाय, इसलिए मानते हैं कि दो प्रकार के इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो मोस्टली क्या है हम लिविंग को लेकर बनाएंगे, सजीव को लेकर बनाएंगे, इसलिए ज्यादा सुटेबल कौन सा है ये ध्यान में रखेंगे इस बात का। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। अब देखो माई ग्रैंड मदर टोल्ड, मेरी दादी माँ ने सुनाई, क्या सुनाई ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट हो गया, किसे सुनाई मुझे सुनाई, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब सीधा सा किसको लेकर बनाएंगे हम, मी को लेकर बनाएंगे, लिविंग बींग को लेकर बनाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा वाज वर्ब, क्या होगा इसका आई वाज टोल्ड ए स्टोरी, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाई माई ग्रैंड मदर। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट वाला भी कंप्लीट हुआ। आपको याद होगा पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, जो फर्स्ट क्लिप अपन ने बनाई थी, जो फर्स्ट क्लास अपन ने ली थी उसमें सारी बातें आपको बताई गई थी, रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, अब इनको हटा लेते हैं। नेक्स्ट जो है एट जो पॉइंट है वो कौन सा है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, उनको बाई लगाकर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बाई लगाकर नहीं लिखा जाता है, वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अनइम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं
जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते हैं उनमें से कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, पीपल, ऑल पीपल, ऑल ऑफ देम, देम, दे, वी, समवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन और वन। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें बाई लगाकर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं इनको, पीपल, ऑल पीपल, ऑल ऑफ देम, दे, वी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन और वन। ये सारे आपको याद करने हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कहा था यदि वॉइस आप अच्छे से करना चाहते हो तो कॉपी और पेन आपके साथ हो और लगातार लिखते जाएं, इनको लिखो और याद करो। एग्जांपल्स देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कौन सा है? अनइम्पोर्टेंट है। स्पीक क्या है? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अदर वर्ड है। मैं आपको बताऊं, अपनी बात हुई थी पिछली क्लास में कि क्या और किसे का जुआ मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट होता है, बच गया वो अदर वर्ड। अब यहां देखो, ये अदर वर्ड हो गया, किसको लेकर बनाएंगे अपन? इंग्लिश को लेकर बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, इंग्लिश इज स्पोकन, बाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश अनइम्पोर्टेंट क्यों होता है सब्जेक्ट, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इंग्लिश बोली जाती है, सिंपल सी बात है, किसके द्वारा बोली जाती है? लोगों के द्वारा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। इंग्लिश इज स्पोकन, आगे क्या हो गया? अदर वर्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखो, दे मेड हिम, दे मेड हिम द चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। देखो यहां पे, दे मेड, उन्होंने बनाया, क्या बनाया? द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्ट है, किसे बनाया? हिम, उसे बनाया। सब्जेक्ट यहां पे क्या है? दे, तो ये क्या है? अनइम्पोर्टेंट है, बाई देम लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ, द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी को लेकर बनाएंगे या फिर हिम को लेकर बनाएंगे? सजीव, हिम को लेकर बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ही, मेड सेकंड फॉर्म है तो ही वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। बाई लगाने की जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि दे जो है वो क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। दे और वी दोनों ही, इनको बाई लगाकर लगाने की जरूरत नहीं है। और देखो, एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं इसमें। समवन, समवन गेव मी ए पेन, किसी ने दिया, क्या दिया? ए पेन, किसे दिया? मुझे दिया। दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए
और दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए तो डबल ऑब्जेक्ट वाला कैसे बनाते हैं? देखो डबल ऑब्जेक्ट भी इसमें चल रहा है और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी चल रहा है, ये ध्यान रखना है। अब इनमें से कौन से को लेकर बनाएंगे? मी को लेकर बनाएंगे। मी को लेकर बनाएंगे क्या हो जाएगा? आई। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज। आई वाज गिवन ए पेन। भाई समवन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिया है किसी ना किसी ने, तो दिया ही है, समवन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हो गया। यहां पे अब आपको अनइंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है इनमें आपको दो बातें याद रखनी है। दो बातें क्या याद रखनी है? एक तो मैं बताऊं आपको, यहां पे मैंने पीपल वाला आपको बताया कि पीपल और ऑल पीपल जो है वो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको बाई लगाकर लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सम पीपल, मैनी पीपल, फ्यू पीपल और लॉट ऑफ पीपल, ये यदि किसी वाक्य के शुरुआत में हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर नॉट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। ध्यान रखने वाली बात है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं? पीपल और ऑल पीपल। केवल केवल पीपल और ऑल पीपल जो है वो अनइम्पोर्टेंट है। सम पीपल, मैनी पीपल, फ्यू पीपल, लॉट ऑफ पीपल, ये क्या है? सारे के सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है इनको बाई लगाकर लिखा जाता है। मैं एक सेंटेंस लिखूं, सम पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इसका क्या हो जाएगा? सम पीपल सब्जेक्ट है और अनइम्पोर्टेंट नहीं है। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या बन जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन बाय सम पीपल। समझ में आ रही है बात? इन चीजों का ध्यान रखना है कि सिर्फ पीपल और ऑल पीपल जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बाकी पीपल के साथ अन्य कोई शब्द आ जाए तो वो अनइम्पोर्टेंट नहीं होगा। नोट नंबर वन था ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में। और नोट नंबर टू आपको क्या करना है, ध्यान दो इधर मैं क्या बता रहा हूं। नो वन, नो बॉडी और नन यदि हमारा सब्जेक्ट है किसी वाक्य में तो अनइम्पोर्टेंट तो है ही है, बाई लगाकर इनको नहीं लिखा जाएगा। ध्यान दो, इन तीनों को बाई लगाकर नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इसके साथ एक नई बात और आ गई, ये वाक्य जो है वो नेगेटिव बनेंगे पैसिव के, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन से? नो वन, नो बडी और नन वाले वाक्य। नो वन, नो बडी और नन वाले वाक्य। देखो एग्जाम्पल लिखे अपन, नो वन विल टीच मी इंग्लिश। देखो इसमें मी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। नो वन विल टीच, कोई नहीं पढ़ाएगा क्या? इंग्लिश किसे? मुझे। दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए। नो वन क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको बाई लगाकर नहीं लिखेंगे। मॉडल आ गया तो बी लगाएंगे इसके साथ। क्लियर है? ध्यान रखना है सारी बातों का। अपने फिफ्थ पॉइंट किया था कि किसी सेंटेंस में यदि मॉडल है तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। लेकिन विल और सेल आए तो हमें सोचना है आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल बी, बाकी सब के साथ विल भी लगेगा। अब यहां पे सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? मी को। मी को लाएंगे यहां पे सब्जेक्ट की जगह, तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ सेल भी आएगा, आई सेल, सेल भी आएगा ना, पर ध्यान रखना है नेगेटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा? आई सेल नोट। नेगेटिव क्यों बनेगा? क्योंकि नन से स्टार्ट हुआ है, अपन ने नोट नंबर टू इसमें लगाया है, नो वन, नो बडी और नन,
से यदि वाक्य स्टार्ट होगा तो हम उसका पैसिव क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। विल है तो विल या सेल में से एक आएगा, यहां पे आई आ गया तो क्या होगा, सेल बी, सेल नोट बी, टोट आई सेल नोट बी टोट। इंग्लिश बाई नोवन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नोबडी विल प्ले हॉकी, सिंपल सेंटेंस है, मॉडल का मैंने यूज कर दिया इसमें, मॉडल है तो बी आएगा और विल और सेल है तो हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे हॉकी है, हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे, हॉकी विल आएगा, सेल आएगा, विल आएगा, विल नेगेटिव बन रहा है, नोबडी है तो विल नोट हॉकी विल नोट बी प्लेड बाई नोबडी नहीं आएगा क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हमने कितने पॉइंट किए, 6 पॉइंट, वो हुआ बाई का यूज नहीं होता, कहां का नहीं होता, आपको याद करना है डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं उनमें सजीव को लेकर बनाएंगे और जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको हम बाई लगाकर नहीं लिखेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, वो अब अपन करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं, आज्ञा वाले वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है। नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, इनको हम आज्ञा सूचक भी कहते हैं, आज्ञा सूचक जिनमें आज्ञा ली जाती है या आज्ञा दी जाती है। और इस प्रकार के वाक्य है ना वो कई तरह से बनते हैं, कई तरह से बनते हैं, और इनका मैं थोड़ा सा अलग अलग ही आपको बता दूं। जैसे इसमें एक प्रकार का वाक्य ऐसा होगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, एक वाक्य ऐसा होगा जो लेट से शुरू होगा, एक वाक्य ऐसा होगा जो प्लीड और काइंडली से शुरू होगा, एक वाक्य ऐसा होगा जो डोंट से शुरू होगा, एक वाक्य लेट वाला होगा, इसलिए अपन क्या करते हैं अलग अलग ही कर लेते हैं। फर्स्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज आप समझ गए, 4-5 प्रकार के होते हैं, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, और उसमें फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, स्टार्ट विद वी फर्स्ट, समझ में आ गई बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला। जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, क्या कैसे बनेगा, लेट फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा बी, और फिर क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, ओपन द डोर, अब देखो ओपन वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म है ना, और द डोर क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या और किसी का जवाब मिला, ओपन खोलो क्या, द डोर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका कैसे बनेगा फॉर्मूला में देखो, लेट फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, फिर क्या लगाएंगे बी, और फिर क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, बहुत सिंपल है। क्लोज द विंडो, क्लोज बंद करो क्या, द विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गया। अब यहां पे अपन फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 2, लेट, लेट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा,
लेट से स्टार्ट होने वाला किस प्रकार से बनाएंगे? देखो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला लिख रहा हूं आगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट और फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई और फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट मिलेगा आपको। लेट हिम प्ले हॉकी। देखो अब यहां पे भाई खेलने का कौन कौन कर रहा है? हिम कर रहा है, बाई लगाकर हिम आ जाएगा इसमें। अब देखो कैसे बनेगा, वैसे ही लेट हॉकी क्या है ऑब्जेक्ट है, लेट हॉकी बी प्लेड और फिर बाई और फिर हिम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, वैसा ही है पहले वाले जैसा। इसमें नई चीज क्या जुड़ गई, बाई और सब्जेक्ट जुड़ गया, ये ध्यान रखना है। लेट देम रीड इंग्लिश, लेट देम रीड इंग्लिश। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाई देम तो अपन लगाते ही नहीं है, बाई देम तो अपन लगाते ही नहीं है, तो इसमें बाई देम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे जो है वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, क्या हो जाएगा, लेट इंग्लिश बी रेड। अब देखो यहां पे इसकी जगह लेट अस होता तो भी बाई एस नहीं लगता, लेट हिम होता लेट हर होता तो बाई हिम या बाई हर लग सकता था। ये ध्यान देने वाली बातें हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दो जो अपन ने किए हैं। पहला तो है फेस फॉर्म से शुरू होने वाला और दूसरा है लेट से शुरू होने वाला, ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट जो है वो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला है, प्लीज और काइंडली नंबर थ्री, प्लीज और काइंडली इससे स्टार्ट होगा, वो लिख दूं मैं स्टार्ट। इससे जो स्टार्ट होगा उसका फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो प्लीज और काइंडली की जगह हम बनाते इसमें क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर आगे वाला जो सेंटेंस है ना वो ज्यों का त्यों लिख देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा फुल सेंटेंस लिख देंगे। कौन सा किसको छोड़कर, प्लीज और काइंडली को छोड़कर। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी। यहां पे इस पे मत जाना मी को ऐसे चेंज करेंगे या फर्स्ट फॉर्म है इसको ऐसे चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस का हमारा फॉर्मूला ये है। क्या हो जाएगा, प्लीज और काइंडली की जगह हम क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसको यहां से हटाएं अपन और इसकी जगह क्या रखें, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आगे वाला जो का लिखना है, क्या हो जाएगा, गिव मी सम मनी, काइंडली हेल्प द पुअर, काइंडली हेल्प द पुअर। तो देखो काइंडली की जगह हमें क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू किसकी जगह, काइंडली की जगह। आगे वाला जो कहते हुआ क्या जाएगा, टू हेल्प द पुअर। ये थर्ड पॉइंट हो गया कौन सा, लेट से शुरू होने वाला। अब फोर्थ पॉइंट डोंट से शुरू होने वाला, डोंट, डोंट प्ले हियर, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट गो देयर, डोंट, इसमें क्या होता है इस प्रकार के वाक्यों में, नंबर फोर डोंट, डोंट से कोई वाक्य स्टार्ट होगा
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही, देखो डोंट में ज्यादातर क्या होता है, मनाई होती है, और मनाई होती है डोंट वाले में क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। तो क्या फॉर्मूला क्या होगा अपना, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। देखो डोंट है, मनाई है, तो क्या आ गया, नोट टू, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। और आगे वाला सेंटेंस क्या लिख देंगे, बचा हुआ फुल सेंटेंस लिख देंगे। डोंट की जगह हमने क्या लिख दिया, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। देखो अब डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। मैंने आपको क्या बताया कि डोंट से जो सेंटेंस शुरू होता है, डोंट से शुरू होने वाले वाक्य की स्टार्टिंग किससे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नोट से, और उसके बाद वाला वाक्य ज्यों का त्यों, क्या हो जाएगा इसमें, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। फिर आगे वाला देखो, डोंट की जगह हमने लिख दिया, आगे वाला ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा, मेक ए नॉइज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखूं मैं, डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर, डोंट की जगह यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्ले हियर। इंपेरेटिव सेंटेंस यही होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आजकल है ना, फिफ्थ पॉइंट एक और बना लेते हैं इसमें, कि ऐसा सेंटेंस भी कई बार आ जाता है जिसमें ना तो ऑब्जेक्ट होता है और ना ही सब्जेक्ट होता है। कई बार ऐसा दे देते हैं आजकल देने लगे, जैसे मान लो एक सेंटेंस हो गया फायर, फायर। अब फिल्मों में आप सुनते हो फायर, फायर का मतलब होता है गोली चलाना, वॉक, वॉक का मतलब चलना, रन, रन का मतलब दौड़ना। अब ये ऐसे हो गए, केवल वर्ब है, ये केवल वर्ब है। अब देखो फायर, फायर का यदि कोई करता है तो क्या करता है, ऑर्डर करता है। इस प्रकार के फिफ्थ क्या लिखेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, कि ऐसे वाक्य भी हैं जिनमें ना तो ऑब्जेक्ट होता है और ना ही सब्जेक्ट होता है, उनको कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला लगभग यही होगा, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड वाला। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट अपना क्या है, सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट और विदाउट सब्जेक्ट, जिसमें ना ऑब्जेक्ट है, जिसमें ना सब्जेक्ट है, इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पे, यू आर, यू आर ऑर्डर्ड, इस प्रकार के वाक्यों में ऑर्डर भी हो सकता है, और यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर आगे नेगेटिव है तो नोट लग जाएगा, नहीं तो क्या है, टू। और फुल सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है वो पूरा का पूरा सेंटेंस इसमें अपन लिख देंगे। जैसे इसी को ले लेते हैं, अपन ने अब लिखा था एक सेंटेंस आ गया अपना फायर। अब इसका पैसिव बनाना है, तो फायर के लिए आप ध्यान दो यहां पे, फायर के लिए अगला क्या करता है, ऑर्डर करता है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। देखो ऑर्डर टू, और आगे वाला सेंटेंस फुल सेंटेंस है ही फायर इसमें, तो ये हो गया। अब देखो वॉक फास्ट, अब इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, अब किसी को फास्ट चलने के लिए अपन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक फास्ट। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस प्रकार के यदि सेंटेंस आते हैं जिसमें ना ऑब्जेक्ट होता है ना ही सब्जेक्ट होता है, उसमें यदि अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आजकल एक चीज और भी कर देते हैं, जैसे मान लो अपना फायर आ गया फायर, तो इसके साथ हम बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वो पैसिव हो जाएगा। जैसे फायर का हमें बनाना है तो क्या हो जाएगा, बी फायर। सिट का बनाना है तो क्या हो जाएगा, बी
सीटेड। आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये क्लास आपको याद करने के लिए इससे पहले वाली क्लास को देखना पड़ेगा। थैंक यू।